अज फकर सुभा के मस्त मौला गायक की गल कर जा रहे हैं। गुरदास मान का नाम जिन्होंने नाम नाल जोड़ के जाने जाता है, पानी बिच मारा डीटा जैसे हिट गीत गाउन वाला गायक जनाब हाकम सूफी। हाकम सूफी की बायोग्राफी लैके हाजिर हाँ धड़कन पंजाब की यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर। मैं तुहाडा अपना नवी मान सिंह हाकम सूफी की जीवनी बारे जाणांगे। हाकम सूफी साहब ने ब्याह क्यों नहीं करवाया, क्यों कहिंदे सन हाकम सूफी साहब नूं गुरदास मान का उस्ताद, उन्होंने हिट गीतों बारे जाणांगे, उन्हों की मौत किवें हुई ये जाणांगे। पूरी वीडियो देखने तो पहला दोस्तों कमेंट बॉक्स के जरूर दसो तुहानूं सूफी साहब का किहड़ा गीत सब तो वधिया लगता है। वैसे आपां जे गल करिए सूफी साहब ने जिन्ना भी गाया शौक ते फकीरी लई गाया। हाकम सूफी के परसनल जीवन की गल करते हाँ, सूफी साहब का जन्म 3 मार्च 1952 माता गुरदयाल की कुखों पिता करतार सिंह के घर नसवार की मंडी गिदड़वाहा कस्बा विच होया, जो कि अज गिदड़वाहा शहर बन गया है। उन्होंने 3 भरा अते 4 भैणां सन, जिन्हां विचों एक भरा ते भैण पहला ही अकाल चलाना कर गए सन। 10वीं 12वीं अते BA गिदड़वाहा तो करी। इत्थे एक गल होर दस दईए दोस्तों, गुरदास मान अते हाकम सूफी इक्को स्कूल विच पढ़दे सन, फिर आर्ट एंड ग्राफ्ट का कोर्स नाभा तो करिया। 22 जनवरी 1976 सूफी साहब नूं बठिंडा जिला के पिंड जंगी राणा विखे ड्रैंग टीचर की नौकरी मिल गई। जे आपां सूफी साहब की गायकी खेत्र की गल करिए तां उह अपना उस्ताद साईं फरीद मुहम्मद नूं मानदे सन। संगीतक सिक्ख्या लैण मगरों सन 1970 विच गायकी खेत्र विच पैर रख्या। उन्होंने पहली बार सुरमई शाम TV प्रोग्राम विच गाया। उन्होंने 2 गीत नवें साल के प्रोग्राम विच भी पेश कीते सन। शिव कुमार बटालवी दे तुर जाण तों बाद शिव कुमार बटालवी नूं स्टेजां ते गाउण वाला पहला गायक सी हाकम सूफी। सन 1984 विच उन्होंने HMB कंपनी वालों तवा रिकॉर्ड करवाया, जिसका नाम सी मेला यारां दा। वह तवा बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट होया। इस तों इलावा जी गल करिए, सूफी साहब ने काफ़ी फिल्मों के प्लेबैक सिंगर तौर पर गाया। बरिंदर की फिल्म यारी जट दी विच गाया गीत पानी विच मारा डीटा करदी पई रोज उड़ीका बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट होया सी, जो अज भी पंजाबियों की जबान ते है। हुण गल करदे हां दोस्तों हाकम सूफी दियां हिट एल्बम दी, मेला यारां दा, दिल बट्टे दिल, दिल तड़फे, झल्लिया दिल आवे, सुपना माही दा, कोल बह के सुन सजना, गभरू पंजाब दा, इश्क तेरे विच, उन्हां दा छल्ला जो कि पाकिस्तान दे विच भी बहुत ज़्यादा सुनिया गया सी, ते पाकिस्तान दे विच भी उन्हां नूं बहुत ज़्यादा प्यार मिल लग्या। सूफी साहब तों बाद गुरदास मान दा छल्ला भी वर्ल्ड फेमस होया। हाकम सूफी साहब ने 34 साल ड्रैंग टीचर की नौकरी की, जंगी राणा स्कूल में ज्वाइनिंग हुई तो उत्थों ही रिटायर हुए 31 मार्च 2010। उन्होंने अपने ज्यौंदे जी अखबार में इश्तहार नहीं लवाया, ना ही अपना दफ्तर बनाया। सूफी साहब सचमुच फकर गायक सन, सैकल ते सवारी करन वाले। उन्होंने जंगी राणा ते गिदड़वाहा विच अनेक दरख्त लाए हैं। सूफी साहब द्वारा बनाए चित्र जिंदगी दे रंगां तों घट नहीं सन, उन्हां दीआं बणाईआं तस्वीरां मूहों बोलदीआं सन। हुण गल करदे आं सूफी साहब नूं मिले सन्मानां दी। पीपल फॉरम बरगाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट बठिंडा विखे लाल चंद जमला जट अवार्ड मिलिया सी। जेकर असीं सूफी साहब दी मैरिज लाइफ दी गल करिए तां उन्हां ने ब्याह नहीं करवाया सी। इह गल सच है जां झूठ पूरा कन्फर्म नहीं, किते इह वी दस्सिया जा रिहा है उह अपनी मनपसंद दी कुड़ी नाल ब्याह करवाउणा चाहुंदे सन। उत्थे उन्हां दे माता पिता जी ब्याह लई नहीं मन्ने ते उन्हां ने सारी उम्र ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਪਲੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਪਲੀ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੂਫੀ ਜੀ ਡਪਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਟੇਜਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੀ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਗਾਇਕ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ 2012
इस फानी संसार नूं अलविदा कह गया। भावें कि सूफी साहब इस दुनिया विच नहीं रहे, उन्हां दे गीत रहिंदी दुनिया तक सुने जाणगे। इसी दोस्तो हाकम सूफी साहब की बायोग्राफी तुहानूं किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दसना। असी सूफी साहब नूं पिंड ढवाली नेड़े रामपुरा फूल जिला बठिंडा विखे स्टेजी प्रोग्राम करते समय देखिया सी। उस समय मिल नहीं पाए, साडी मिलन की इच्छा सी। देखते रहो तुहाडा अपना यूट्यूब चैनल धड़कन पंजाब की, फेसबुक पेज धड़कन पंजाब की। सानू दिओ इजाजत, प्यार भरी सत श्री अकाल।